वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिमो। आज हम बनाने वाले हैं चना दाल की नमकीन, जो आप महीने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप चाय के साथ सर्व करें या फिर ऐसे ही खाएं। इसे बनाने के लिए हम लिए हैं चना दाल। इसे हम पानी में 2 से 3 घंटे सोख करके रखे थे। ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसे 2 से 3 बार पानी में धो लेंगे। हम दाल को अच्छे से धो लिए हैं, तो अब हम इसे पेपर पे फैला लेंगे। हम पंखे के नीचे इसे रखे हैं। इसे ज्यादा सुखाना नहीं है, तब तक सुखाना है जब तक हम इसे मसाला बनाएंगे। अब चाहे तो पेपर का यूज ना करें, आप कॉटन कपड़े का यूज करें। ये देखिए, हम अच्छे तरह से इसे फैला लिए हैं। अब हम चले मसाला बनाने। मसाला बनाने के लिए अब हम एक कटोरी लेंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच हम मैगी मसाला डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालें, 1 चम्मच काला नमक डालकर अच्छे से मिला लें। ये हमारा मसाला तो रेडी हो चुका है। चले हम चना दाल को उठाने। देखिए, चना दाल का बिल्कुल पानी सूख चुका है। अब हम इसे उठा लेंगे। चना दाल उठा लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें रिफाइन ऑयल डालेंगे। रिफाइन ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चना दाल। 6 मिनट तक फ्राई करें, जब तक ये हल्का क्रिस्पी ना होने लगे। ये हमारा चना दाल देखने में ही क्रिस्पी लग रहा है, तो अब हम इसे निकालेंगे। देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि चना दाल कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाला, जो हमने पहले ही प्रिपेयर किया था। अच्छी तरह से मिला लें। अगर आपको नमक कम ज्यादा लगे तो नमक एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। चना दाल का नमकीन रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। चाय के साथ सर्व कीजिए या फिर एयर टाइट कंटेनर डब्बे में रख दीजिए। एयर टाइट कंटेनर डब्बे में रख दीजिए और जब भी छोटी मोटी भूख लगे इसे निकाल कर खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।